मानसून की दस्तक के साथ ही पहले ही बारिश में छलक पड़ा शिवनाथ नदी का जलस्तर। लगातार हो रही बारिश से मोगरा जलाशय भी छोड़ा गया 41,500 क्यूसेक पानी। दुर्ग भिलाई शहर की जीवन दायिनी शिवनाथ नदी इन दिनों अपने पूरे शबाब पर नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बड़े बांध से भी पानी छोड़े जाने के कारण स्थानीय नदी अपने पूरे शबाब पर बह रही है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मोगरा जलाशय से लगभग 41,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसा कि मानसून में मौसम का मिजाज खुशनुमा होता है, वैसे ही लोगों का रुझान नदी की तरफ आकर्षित होने लगता है। इस बीच जब लोगों को खबर लगी कि शिवनाथ नदी अपने शबाब पर बह रही है, तो उसे देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में नदी के किनारे पहुंचकर तस्वीर लेने नजर आते हैं। नदी के आसपास का माहौल काफी खतरों से भरा हुआ है, जहां शासन प्रशासन की जरा सी भी लापरवाही किसी अनहोनी को दस्तक दे देती है। आज भी शिवनाथ नदी का नजारा भी कुछ ऐसा नजर आया, जहां लोग बड़ी संख्या में नदी किनारे पहुंच अपनी सेल्फी लेने घाट तक उतरे नजर आए। उन्हें मना करने वाला भी कोई नजर नहीं आया। शासन प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए महमरा घाट पर बने एनीकेट पर रास्ता बंद कर रखा है। अगर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी लोगों को नदी किनारे जाने से रोकने वाला नजर नहीं आया। इस अवसर पर नदी का जल स्तर का नजारा देखने आए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तरीके से दुर्ग जिले पे लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोग काफी लापरवाह दिख रहे हैं। पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है सेल्फी लेने के चक्कर पे नदियों के पास में जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्तैद नहीं दिख रही है, ना ही NDRF की कोई टीम यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ, इससे अगर प्रशासन अगर सूद नहीं लेता है तो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती है, तो NDRF और जिला प्रशासन के लोगों को यहाँ पे खड़े होने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग नदियों के सामने में जा रहे हैं, पानी में सेल्फी ले रहे हैं, उनको रोका जा सके। महाराष्ट्र के लोनावला में हुई दुर्घटना के बाद लोगों को इस तरह की लापरवाही करने से बचना चाहिए और शासन प्रशासन को भी चाहिए कि इससे पहले की कोई घटना दुर्घटना हो, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम बखूबी कर दिए जाए। इसी न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।